नहमदु व सल्ले अला रसूल करीम, अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल फितर का ये मुबारक मौका, पूरी दुनिया के 1,80,00,000 मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं और ये रमज़ान के 29 या 30 रोज़े रखने के बाद ये त्यौहार आता है। तो इस मुबारक मौके पे पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद दी जा रही है। और दूसरा ये है कि फ़लस्तीन के अंदर जो वहाँ के मुसलमान क़िबला अव्वल की और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी हमायत पूरी दुनिया के मुसलमानों को करनी चाहिए, क्योंकि वो हक पर है और जितने भी दुनिया के अंदर इंसाफ पसंद लोग हैं वो भी उनकी इमदाद करें। और इस मौके पे गरीबों को, मस्कीनों को और बेवाओं को, जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ईद के लिए पैसे भी नहीं हैं, हमको चाहिए कि ईद की नमाज़ से पहले फितरा अदा कर दें, ज़कात दें, ताकि वो लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सकें। इस मुबारक मौके पे मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो पूरी दुनिया में अमन के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अमन अता फरमाए और मुसलमानों की और पूरी दुनिया की अल्लाह ताला हिफाजत रखे। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।